हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिवो। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर। हमने प्रिंसिपल देख लिया और प्रोसेस देख लिया कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कैसे करते हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे बेनिफिट के लिए। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। मैंने अपनी MBBS वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की थी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी जब मैंने अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, और मैं पिछले 4 सालों से नीट और एम्स एस्पायरेंट्स को यहाँ पे रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी गाइस, आपको अभी तक टेलीग्राम ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे आपको PDF नोट सारे लेक्चर्स के मिल जाते हैं, तो यहाँ पे नीट प्लेसिबो चैनल पे जाओ और इस पर आप सारे PDF नोट्स लो टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, सेकेंडली गाइस, मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। नाउ दिस इज़ अ प्लस प्लेटफॉर्म और यहाँ पर हम बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं नीट और एम्स के लिए। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये क्रैश कोर्स नीट और एम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और इस क्रैश कोर्स में आपको जनवरी तक हम पूरा सिलेबस ख़त्म करवाने वाले हैं। ठीक है, जनवरी तक हम पूरा सिलेबस ख़त्म कराएंगे और आप हम इंश्योर करेंगे कि आप नीट में 600+ मार्क्स लाएँ। तो गाइस, जो लोग अभी प्लस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं और अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या होगा, यहाँ पे लाइव क्लास लीजिए। लाइव क्लास में आपको क्या मिलता है, आपको PDF नोट्स मिलते हैं। PDF नोट्स के साथ आपको मिल जाता है मेरा डाउट सेशन। ठीक है, PDF नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा मेरा डाउट सेशन यहाँ पे, और सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। ठीक, सेकेंडली आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस में आपको 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब जो लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स आउट नहीं हुए तो आप उसको बाद में भी अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस में लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे आपको 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। थर्डली आपको टेस्ट सीरीज मिलता है टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस, आप कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास वीकली और मंथली टेस्ट है जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, एंड मल्टीपल काइंड ऑफ टेस्ट, मतलब आप एक महीने में 100 से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, सो दैट यू कैन मार्क योर प्रोग्रेस, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपको पता चलेगा और आप इवेल्युएट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के डाउट भी आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पर्सनलाइज लर्निंग का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इंडिया के 40+ टॉप एडुकेटर्स से जिससे पढ़ने का मन है आप उससे पढ़ सकते हैं इस प्लस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है गाइस, ये हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं और अभी नवंबर में कोर्स लॉन्च होने वाला है जिसमें लिमिटेड सीट है, तो आपको जल्दी से ये कोर्स इनरोल करना है। क्रैश कोर्स फॉर नीट 2020 है। ठीक है, तो ये आपको नवंबर में लॉन्च होने वाला है, तो जो लोग अभी इनरोल करना चाहते हैं जल्दी से इस क्रैश कोर्स ऑफ नीट 2020 भी कर सकते हैं। ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा नीट और एम्स के लिए, सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आपको, बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे जनवरी तक हम सिलेबस खत्म करें और फरवरी मार्च अप्रैल में आपका रिविजन कराएं। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए, आप ज़रूर इसमें इनरोल करें। ठीक है, ये हमारे टॉप 40+ एडुकेटर्स हैं जो आपको नीट और एम्स के लिए यहाँ पर पढ़ाते हैं। बाकी आपको जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर 40+ टेस्ट है, 40 टेस्ट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सेकेंडली आपको ये हमारा सिलेबस वगैरह सारा मिल रहा है। ठीक है, करना क्या होगा गाइस, आपको इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे आप प्लस पे जाओ, प्लस पे आप जैसे जाओगे तो आप करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक। गेट सब्सक्रिप्शन पे आप अगर क्रैश कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 6 मंथ का प्लान लो। 6 मंथ की प्लान की जो प्राइस होगी, कंटिन्यू करोगे तो 6 मंथ की प्लान की प्राइस होगी आपकी 24,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है आनंद लाइव। याद रखना कि अगर आप मेरे क्रैश कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरे ग्रुप से पढ़ना चाहते हो, तो आपको इस कोर्स में इनरोल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, जो आपका क्रैश कोर्स स्पेसिफिक नोट्स होंगे, बहुत स्पेसिफिक नोट्स मैं आपके क्रैश कोर्स के लिए बना के रखूँ, बिल्कुल छोटे से पतले से कॉम्पैक्ट कैप्सूल कोर्स में, जिससे आपका बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको लेक्चर नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, आपको ये तीनों पैकेज आपको मिल जाएगा अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं आनंद लाइव। ठीक है, आनंद लाइव यूज़ करने के बाद आपको क्या होगा, जो अमाउंट है ये आपका 24,000 से ये अमाउंट आपका कट के हो जाएगा 21,600 फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ के लिए मैं बता रहा हूँ गाइस। ठीक है,
ये मैं 6 मंथ के लिए बता रहा हूँ, जो लोग क्रैश कोर्स के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो उनका अमाउंट 21,600 हो जाएगा अगर आप प्रोमो कोड आना लाइव यूज़ करते हैं। कंटिन्यू करें और आप प्लस पे इनरोल कर जाएंगे। जो 2 ईयर प्लान के लिए लेना चाहते हैं, जो 11th वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो प्राइस है वो 48,000 है। 48,000 के बाद यहाँ पे प्रोमो कोड यूज़ करें आनंद लाइव, 48,000 प्राइस पे करें और उसके बाद सक्सेसफुली आपका अमाउंट 43,200 हो जाएगा जैसे आप प्रोमो कोड आनंद लाइव यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस। और इस तरह से आप प्लस पे इनरोल कर सकते हैं, बट क्रैश कोर्स में जल्दी से जल्दी आप लोग इनरोल करो और प्रोमो कोड आनंद लाइव यूज़ करना मत भूलना। 6 मंथ का प्लान लो और आपके लिए नीट और एम्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा अभी के लिए। जो लोगों ने इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ भी रहे हो, नहीं भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी अभी। ठीक है, तो फटाक से जल्दी 1 नवंबर से पहले आपको इनरोल करना है हमारे क्रैश कोर्स में। ठीक है गाइस, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। कौन कौन आ गया है? तो हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हाँ जी, हेलो गाइस, कौन कौन आ गए भाई? तन्वी, अतुल, विशाल, तेजा, निखिल, अनुराग, माई माई, मीनाक्षी, निहारिका, हाय निहारिका, तेजा, सिद्धि, देवांशु, गुड इवनिंग देवांशु। चल चल, आप बफर नहीं करेगा गाइज, एक बार इसको वो रिफ्रेश करो, बफर नहीं करेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी में कि हमको क्या क्या काम यूज़ करना है बायोटेक्नोलॉजी का। तो पहला पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी को ही डिसाइफर करेंगे पहले पार्ट में, फिर जब मैकेनिज्म आएगा तो मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा। तो पहला क्या पॉइंट है कि बायोटेक्नोलॉजी कर क्या रहा है, तो 3 काम कराता है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसका 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया की हम बात करते हैं। पहला कि वी प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। मतलब कि हम एक ऐसा कैटलिस्ट प्रोवाइड करें, हम एक ऐसा कैटलिस्ट प्रोवाइड करें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट को ज्यादा दे, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट को ज्यादा दे या ज्यादा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाए, तो वो मेरा कैटलिस्ट हो गया। तो हम एक ऐसा कैटलिस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जो मेरा एक डिजायर्ड प्रोडक्ट का एफिशिएंसी बढ़ाए और डिजायर्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, तो ये कैटलिस्ट है। दूसरा फिर क्या, ऑप्टिमल कंडीशन हमको देखना है कि भाई ये जो मेरा माइक्रोब है या ये जो मेरा होस्ट सेल है उसके आराम का ख्याल रखोगे तभी तो वो डिजायर्ड प्रोडक्ट अच्छा देगा। तो हम क्या देखते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशन कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन इसके लिए कैसा होना चाहिए। तो ये हम रेगुलर टेस्ट वेस्ट करके चेक करते हैं कि किस केस में मेरा होस्ट सेल का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो दूसरा जो कंपोनेंट हम देखते हैं कि हम देखते हैं उसका ऑप्टिमम कंडीशन कितना अच्छा होगा, किस पीएच पे काम करेगा, किस टेम्परेचर पे काम करेगा, कितना ऑक्सीजन चाहिए या कितना एनोरोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन उसको चाहिए। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स हम डिटरमाइन करते हैं कि उस बैक्टीरिया के लिए या उस माइक्रोब के लिए या उस कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए ऑप्टिमम कंडीशन क्या होगा। तीसरा काम जो करते हैं, हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग मतलब कि हम डाउन स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, तो मतलब हम पहला है कि टेस्टिंग का टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे हमको एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट पता चले। दूसरा है हम उस प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इन्हांस करेंगे जिससे कम से कम खराब इम्प्योर सब्सटेंस पहुँचे, है ना। और तीसरा है कि हम इसका क्वालिटी अच्छे लेंगे जिससे ज़्यादा हम हाई से हाई ज़्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएँ। तो 3 बेसिक कंपोनेंट हम बनाते हैं। पहला कि पहला ऐसा माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म हमको ढूंढना है, पहला ऐसा माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म हमको ढूंढना है जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट दे और उस ऑर्गेनिज्म को हार्वेस्ट करना आसान हो। तो पहला हम ऐसा माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म ढूंढे जो हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा और उसको हार्वेस्ट करना आसान हो। दूसरा क्या है, उसके लिए हमको पता करना कि ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, किस पीएच पे ग्रो करता है, किस टेम्परेचर पे ग्रो करता है, किस तुम्हारे उसके बाकी उस पर काम करता है ना, उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशन ताकि उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। और तीसरा कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की एफिशिएंसी चेक करना है, उसको प्रॉपरली टेस्ट करना है ताकि कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो या कुछ और एडवर्स इफेक्ट ना हो, और क्या करना है उसको टेस्ट करना है। और उसके बाद फिर हम उसका प्यूरिफिकेशन भी करेंगे, हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे कि उससे जो इम्प्योर प्रोडक्ट है या जो मेरा ख़राब सामान बन रहा है
वो निकल जाए और हमको स्टेराइल प्योर प्रोडक्ट मिले और दैट टू ऑफ द हाई क्वालिटी। तो तीन जगह हमको रिसर्च करना पड़ता है। पहला रिसर्च करना होता है माइक्रोब्स के ऊपर, दूसरा रिसर्च करना होता है उसके कंडीशन के ऊपर, और तीसरा रिसर्च करना होता है प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे। तो ये तीनों चीज़ें जब इन्हांस होंगी तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। तो दीज आर द थ्री एस्पेक्ट जिसपे बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्चें चलती हैं और एप्लीकेशंस हम कराते रहते हैं। ठीक है? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर। सबसे पहला जो बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च है, हम एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च होता है वो देखते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसा बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च होता है हम उसको देखते हैं। तो कैसा काम करता है भाई एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च? तो पहला चीज क्या होता है, सबसे पहला मेरा एग्रो बेस्ड केमिकल्स, एग्रोकेमिकल बेस्ड। एग्रोकेमिकल बेस्ड में क्या होता है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरियल सेल है, कोई भी बैक्टीरियल सेल है, या क्या कह रहा हूँ, बैक्टीरियल सेल कह रहा हूँ। हाँ देखो, एग्रोकेमिकल बेस्ड, एग्रोकेमिकल बेस्ड में क्या हो गया कि ऐसा एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं जहां पे हम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर रहे हैं, जहां पे यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं, जहां पे यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स कर रहे हैं। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को हम केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। एंड ये एग्रीकल्चर बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इसके लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया गया था। मतलब ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था कि जब हम क्रॉप यील्ड ड्यू टू दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं इसको, तो ड्यू टू दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया था साइंटिस्ट का नाम था नॉलार। वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया था उसका नाम था नॉलार, और इंडिया में जो कराया था उसका नाम था M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन कराया था उसका नाम था M.S. स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो मेरा क्रॉप प्रोडक्टिविटी था, जो मेरा क्रॉप प्रोडक्टिविटी था, इनिशियली इनिशियली क्या हुआ, 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो मेरा क्रॉप प्रोडक्टिविटी था इनिशियली 3 टाइम ज्यादा बढ़ गया। और अभी हम बात कर रहे हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की। बट क्या था कि दिस हैड वेरी शॉर्ट टर्म इफेक्ट। दिक्कत क्या था इस तरह के प्रोसेस से, पहला क्या था कि ये बहुत एक्सपेंसिव था, खाद में पैसा लगता है तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता थे। दूसरा क्या था कि इसका इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट होता था, इसका एडवर्स इफेक्ट होता था इन्वायरमेंट पे, तो लॉन्ग टर्म हमको नुकसान पहुंचता था इससे। ठीक है, तो केमिकल बेस्ड बाय एग्रीकल्चर में इनिशियली यील्ड तो बढ़ा, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसमें हमको जो इन्वायरमेंट को मेरे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। कैसे नुकसान पहुंचता था? सपोज मान लो कि हम फर्टिलाइजर यूज किए या यूरिया यूज किए, अब ये यूरिया भरा हुआ पानी, तो यूरिया मेरा क्या करेगा, सॉइल का एसिडिटी बढ़ा देगा पहला, तो सॉइल मेरा कुछ दिन के बाद फर्टिलिटी लूज करने लगेगा। दूसरा यूरिया क्या करता था, यूरिया जो वाटर सीप अप होता था वो पॉन्ड में गया, लेक में गया, तो वहां पे लेक का यूट्रोफिकेशन करा देता था। तो बहुत सारे दिक्कत होते थे केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर से, जैसे DDT का हमने पढ़ा था, बायो मैग्निफिकेशन करा दिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे। तो जो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो ये वो प्रोसेस है, अभी भी मेजॉरिटी हम लोग जो यूज करते हैं, ज्यादातर हम केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज हैजार्डस फॉर आर अर्थ, है ना। एक जो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है इट इज हैजार्डस फॉर अस, और उसमें दिक्कत होता है बहुत सारा। ठीक है, तो ये केमिकल बेस्ड जो ये तुम्हारा एग्रीकल्चर है विच इज हैजार्डस, और इससे क्या हो रहा है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है बट इन द लॉन्ग रन सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, मेरा जो इकोसिस्टम है वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है, जो मेरा इकोसिस्टम है वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो मेरा एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो हम लोगों को कोई ऑल्टरनेट तरीका लाना था जिससे हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएं। तो इसके लिए हम दो प्रोसेस है मेरे पास, या तो हम करें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या फिर हम करें
जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, या तो हम क्या करें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से जितने एडवर्स इफेक्ट थे केमिकल फर्टिलाइजर वाले वो नहीं आएंगे और प्रोडक्टिविटी थोड़ा ठीक होगा, बट डूइंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज वेरी डिफिकल्ट एंड प्रोडक्टिविटी उतना इंप्रूव नहीं करता। मतलब अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो मेरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, अगर हम मैन्योर डाल रहे हैं या काउडंग डाल रहे हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो मेरा प्रोडक्टिविटी कम होगा। तो ये दिक्कत था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ प्रॉब्लम क्या था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम होता था, प्लस लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मतलब इट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम बेस्ड एग्रीकल्चर। जैसे हमने पढ़ा था रमेश चंद डागर वाले में कि हम मतलब डेयरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, सब कुछ साथ कर रहे हैं, तो मेरा डेयरी से काउडंग आया, उस काउडंग को हम सॉइल में यूज़ किए, जो मेरा फॉडर बना उसको फिर गाय खाया, तो पूरा एक इकोसिस्टम अंदर बन जाता है। बट उसको सब एक छोटा किसान है, एक छोटा फार्मर है, इट कैन नॉट यूज इट, तो उसके लिए ये दिक्कत हो जाता था। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम था और स्मॉल स्केल पे इसको अप्लाई करना मतलब बड़े लेवल पे ये दिक्कत वाली बात थी। तो यहाँ पे तो लोग यहाँ पे ये मेथड थोड़ा फेल करने लगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मेथड थोड़ा फेल करने लगा। और एग्रोकेमिकल बेस का मेथड क्या था, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड इट हैज सम एडवर्स इफेक्ट, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड इट हैज सम एडवर्स इफेक्ट। तो बचा क्या मेरे पास ऑप्शन, मेरे पास बचा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो अभी हम लोग इसका एक्सटेंसिवली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे क्रॉप बना रहे हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, जो ड्राउट रेसिस्टेंट होंगे, जो पेस्ट रेसिस्टेंट होंगे, जो कम फर्टिलाइजर में काम कर लेंगे, जिनका नेट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, तो हम वैसे क्रॉप्स का ग्रोथ कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी सबसे ज़्यादा जोर हमारा जाता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये एक्सपेंसिव होगा या कम एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा, प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर विल बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस और ए लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस। थैंक यू शो। विल बी एट एन एक्सपेंसिव प्रोसेस और लेस, मोर एक्सपेंसिव। हाँ देखो, अगर मान लो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर यूज करते, तो इनिशियली बनाने में एक मान लो एक हम सीड बना लिए, इस सीड को बनाने में थोड़ा पैसा लगेगा, बट बाद में रिकरिंग में हम देखेंगे तो वो सीड हम उसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, तो उसमें पैसा फिर कम लगता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, है ना, उसमें फिर पैसा कम लगेगा कंपैरेटिवली। ठीक, तो क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या किया, इट सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट वॉज नॉट इनफ टू मीट ह्यूमन पॉपुलेशन। उसके बाद हम क्या किए कि हम एग्रोकेमिकल्स यूज करने लगे जैसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम कन्वेंशनल तरीका यूज किए जैसे मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, बट उससे भी हमको काम नहीं मिला। अब हम जो क्रॉप बनाते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है, उसको हम कहते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं हम। तो कैसा कैसा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं, तो हम बेसिकली पांच तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। पहला, कि अगर कोई ऐसा क्रॉप हो जो टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस हो, मतलब मान लो कि कोई एक मेरा गेहूं का वैरायटी हम ऐसा बना लिए जो कम पानी में भी उग जाए, या कोई एक गेहूं का वैरायटी हम ऐसा बना लिए जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ग्रो कर जाए, तो इससे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जो एबायोटिक स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेगा, जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन बर्दाश्त कर लेगा, और जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ हैम्पर नहीं होगा और इसका प्रॉपर ग्रोथ होगा। तो पहला चीज़ ये किए कि हम ऐसा क्रॉप बनाए विच इज रेसिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब ये एबायोटिक स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, ये सॉइल का पीएच हो सकता है, ये क्लाइमेट हो सकता है, ये टेम्परेचर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या, ऐसा जिसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, मतलब हमको केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत ना पड़े, मतलब पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप बनाए कि जिस पे मेरा पेस्ट इन्फेस्ट ना कर पाए, हम वैसे क्रॉप बनाए जिस पे मेरा पेस्ट का इन्फेस्टेशन ना कर पाए, तो वो मेरा पेस्ट इन्फेस्टेशन पास होगा।
नीट एग्जाम ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम 2021, बिल्कुल होगा यार, होगा। अभी तो 2020 देख लेते हैं, 2021 देखा जाएगा बाद में, है ना नामा? ठीक है, अगला, इट विल रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस समझते हो बाबू क्या होता है? कि सपोज मान लो हम पैडी, देखो ना ये मेरा मान लो कि पैडी है, ठीक है, अब इसके छोटे छोटे टार्सल्स होते हैं, ठीक है, तो अब इसमें जो यूज का सामान है, ये जो सामान है ये मेरा होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये वाला सामान ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करते हैं, मतलब क्या कि हम ऐसा क्रॉप बनाए जिसका ये नीचे वाला पार्ट इतना सा हो और इसका टार्सल्स थोड़ा बड़ा हो, तो मतलब इसमें सीड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्रॉप कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाएगा और इसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो कम होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया मेरा क्या कि हम प्रोड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, फिर क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। तो क्या होगा कि अगर मान लो, देखो दो कंपोनेंट है, मेरे सॉइल में मिनरल है, मेरे मान लो सॉइल में मिनरल है, तो अगर हम सॉइल का सारा मिनरल यूटिलाइज कर लिए, अगर हम सॉइल का सारा मिनरल यूटिलाइज कर लिए तो क्या होगा, अगर हम सॉइल का सारा मिनरल यूटिलाइज कर लिए तो क्या होगा, हाँ, तो इनिशियली मेरे पास क्या होगा, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाएगा, बाद में हमको सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट डालना होगा, सामान डालना पड़ जाएगा बाद में। तो अगर हम ऐसा प्लांट बनाए जो स्मार्ट हो, जो धीरे 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 मिनरल अपटेक कर रहा हो ताकि सॉइल का मिनरल कॉम्पोजिशन बना रहे, तो वो वाला पार्ट हो गया। और लास्ट जो है कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड बढ़ा देते हैं, मतलब सपोज बहुत जैसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत है, जिनको खाने वाने का दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम होता है, तो क्या हो गया कि अगर मान लो कि हम ऐसा राइस बनाएं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी जो होता है विटामिन ए का होता है, याद रखना, इंडिया में जो मैक्सिमम विटामिन डिफिशियंसी होता है, मैक्सिमम विटामिन डिफिशियंसी होता है, तो ये जो विटामिन डिफिशियंसी मैक्सिमम होता है ये मेरा विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम विटामिन डिफिशियंसी इज ड्यू टू विटामिन ए। तो अब गरीब आदमी बेचारा गाजर अफोर्ड नहीं कर सकता, बट चावल तो अफोर्ड कर सकता है ना, तो अगर हम ऐसा क्रॉप बनाए जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, जिसमें विटामिन ए का कंपोजिशन ज़्यादा हो, जिसमें विटामिन बी का कंपोजिशन ज़्यादा हो, या जिसमें जो भी डिज़ायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन ज़्यादा हो या कुछ ऐसा ज़्यादा हो, तो इस तरह के क्रॉप को हम कहते हैं विटामिन ए इनरिच्ड राइस। ठीक है, विटामिन ए इनरिच्ड राइस। तो ये पांच तरह के GMO हम बनाए। कैसा बनाए, पहला हमने बनाया टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, दूसरा हमने बनाया लेस डिपेंडेंट ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, तीसरा हमने बनाया पोस्ट हार्वेस्ट लॉस लेस होगा, चौथा हमने बनाया मिनरल अपटेक बढ़ा दिया, और लास्ट हमने क्या बनाया कि क्या होगा कि ए तुम्हारा न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो विटामिन ए इंडिस राइस को हम लोग गोल्डन राइस कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं गोल्डन राइस। आजकल एक और नया तरह का राइस आने लगा है, ब्राउन राइस, जिसमें रफेज का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। तो वैसे करके हम नया नया प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा हो गया। चलो अब आते हैं क्या क्या कंपोनेंट हम यूज करते हैं, तो कौन कौन सा प्लांट है या एग्रीकल्चर में हम क्या क्या यूज करते हैं जिससे हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहला जो यूज करते हैं, जो आपकी किताब में दिया है, सबसे पहला हम यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लेवर सेवर। सुनना ध्यान से, फ्लेवर सेवर, ये एक टोमेटो का ब्रीड होता है, ये एक टोमेटो का प्रजाति होता है। ठीक है, तो ये टोमेटो का प्रजाति जो होता है, इट प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन इन टोमेटो, इट प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन इन टोमेटो ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम, ड्यू टू इनएक्टिवेशन
ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पॉलीगैलेक्टूरिनेज, ठीक है, पॉलीगैलेक्टूरिनेज। देखो क्या होता है कि अगर हम एक नॉर्मल टमाटर देखते हैं, अगर हम एक नॉर्मल टोमेटो की ब्रीड देखते हैं, ये मेरा मान लो नॉर्मल टोमेटो है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये टमाटर जो है चार पांच दिन में सड़ने लगेगा और ये टोमेटो खराब हो जाता है। तो अब किसान है, कोई फार्मर है, तो इसका लॉस कितना ज्यादा होगा, देखो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना ज्यादा होगा, कि मतलब मान लो कि टमाटर है, अगर इसका 5 दिन में टमाटर नहीं बिका तो क्या होगा, इसका टमाटर खराब होने लगेगा। तो दो ड्रॉबैक है। पहला क्या होगा कि अचानक से मार्केट में जब टमाटर आएगा, सीजन है सबका, सीजन एक ही टाइम आएगा, तो अचानक से मान लो मार्केट में टमाटर आया तो क्या होगा, सारे टमाटर का दाम कम हो जाएगा, तो किसान को जो अमाउंट मिलेगा बहुत कम मिलेगा, और उसके बाद फिर अचानक से टमाटर का स्कैसिटी हो जाएगा। तो अगर हम कुछ ऐसा डिवाइस कराएं, ऐसा कोई डिवाइस बनाएं जिससे ये जो मेरा टमाटर है ये डिग्रेड ना हो, ये लेट डिग्रेड हो, मान लो महीना भर चल जाए, तो कम से कम किसान को दाम भी ठीक मिलेगा, दूसरा टमाटर का जो मतलब एक्सटेंसिविटी है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ किए एक टेक्नोलॉजी, इसको फ्लेवर सेवर कहते हैं। टर्न्स आउट की एक एंजाइम है जिसको कहते हैं पॉलीगैलेक्टूरिनेज, ये डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन कराता था। पेक्टिन है ना जो वॉल, मिडिल लैमेला वाला जो वॉल है, जिसकी वजह से टमाटर जो है गिलगिला सॉफ्ट हो जाता था और टमाटर सड़ जाता था। तो अगर हम ये एंजाइम हटा दें, अगर हम ये एंजाइम हटा दें, इनएक्टिवेट कर दें, तो मेरा डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन नहीं होगा, तो मेरा टमाटर कड़ा का कड़ा रह जाएगा और टमाटर ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्लेवर सेवर, ठीक है। कभी भी मार्केट जाओगे ना तो देखना दो तरह का टमाटर होगा, एक बड़ा सुंदर सुंदर सा टमाटर लगता है, एकदम बड़ा सा साइज में अच्छा सुंदर एकदम रेड रेड टमाटर होता है, और एक छोटा सा गिलगिला सा पतला सा टमाटर होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि ये टमाटर का दाम कम रहता है और जो गिलगिला वाला टमाटर है उसका दाम ज़्यादा रहता है, और मम्मी तुम्हारी ढूंढ के वही वाला कहेगी, भाई देसी वाला टमाटर दो, मम्मी देसला टमाटर दो, ऐसे ही बोलती होगी मम्मी लोग, ठीक है। तो ये वाला टमाटर खरीदते क्यों नहीं है लोग, फ्लेवर सेवर क्यों नहीं खरीदते, खरीदना तो वही चाहिए जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, मतलब जिंदा है जिनकी ज़्यादा दिन तक इसका फ्लेवर बना रहेगा, तो क्यों नहीं ये वाला टमाटर खरीदते हैं, दूसरा वाला क्यों खरीदते हैं, जल्दी रीजन बताओ कमेंट में। अच्छा विटामिन ए इंडिस राइसिस 80 रुपीज पर किलो, जल्दी बताओ रीजन बताओ क्या होगा। प्रेजेंट टाइम में दोनों इक्वल प्राइस में है, चलो ठीक है। टेस्टलेस नहीं, टेस्टलेस होता है, कम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्यों कहते हैं फिर सोचो, कोई और रीजन दो, चीप शायद रहता है, नहीं नहीं टमाटर का टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होता, टेस्ट ठीक रहता है, द ओनली प्रॉब्लम कम्स इज विथ डाइजेशन। देखो क्या होता है समझो, अब ये जो टमाटर कड़ा है ना, दिस टोमेटो इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इन आर बॉडी, मेरे बॉडी में पेक्टिन डिजॉल्व होता है, डाइजेस्ट होता है क्या, मेरे बॉडी में लिग्निन और पेक्टिन डाइजेस्ट होता है क्या, मेरे बॉडी में लिग्निन और पेक्टिन डाइजेस्ट होता है क्या, बताना जरा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नहीं कॉस्ट ये सस्ता होता है और देसी वाला महंगा होता है। मेरे बॉडी में पेक्टिन डाइजेस्ट होता है, हाँ या नहीं जल्दी, हाँ तो समझो, तो अगर मेरे बॉडी में पेक्टिन और लिग्निन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और ये एंजाइम ही नहीं है, तो मेरे बॉडी में इस फ्लेवर सेवर को पचाने में डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, तो दिक्कत क्या होगा, तुमको गैस्ट्राइटिस ज़्यादा हो जाएगा, रफे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लूज मोशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसका अपना फ़ायदा तो है बट इसका अपना नुकसान भी है, तो हम कुछ भी चीज़ों को अगर इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इन द लॉन्ग रन हमको उसका नुकसान देखने को मिल जाता है। तो यहाँ भी अब इस टोमेटो के साथ देखो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, है ना,
बाद में पता चलता है ये सब, जब डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद पता चल जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये पंगा हुआ था फ्लेवर सेवर के साथ, ठीक है। डॉली पॉली मॉली के बारे में बाद में बताएंगे, अभी जब हम क्लोनिंग पढ़ाएंगे तब डॉली पॉली मॉली के बारे में, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा है फ्लेवर सेवर, ठीक। क्या हुआ फ्लेवर सेवर में, कि टमाटर का एक प्रजाति था, इस टमाटर के प्रजाति में एक एंजाइम होता था जिसको हम पॉलीगैलेक्टोनेज कहते थे, वो डिग्रेड करता था पेक्टिन को, पेक्टिन डिग्रेड होता था और टमाटर मेरा गिलगिला पिलपिला सा हो जाता था और टमाटर खराब हो जाता था। तो हम क्या किए, इस एंजाइम ही हटा दिए। इस एंजाइम को हटाने से क्या हुआ, मेरा टमाटर एकदम कड़ा का कड़ा रहा और ज़्यादा दिन तक रहा, बट ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये एक मैकेनिज्म होता है, हाँ जी ये एक मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल देसी खाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म होता है, ठीक। दूसरा आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, इसको कहते हैं हम लोग बैसिलस थुरिनजेनेसिस या बीटी कॉटन। तो सुनो दूसरा जो मैकेनिज्म होता है इसको हम कहते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस या बीटी कॉटन। इसको हम कहते हैं, एक सेकंड गाइस, बस एक सेकंड रुकना, ये हिल गया है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस या बीटी कॉटन, सॉरी गाइज मेरा वो कैमरा हिल गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो देखो, हाँ बैसिलस थुरिनजेनेसिस या कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन डिजॉल्विंग पेक्टिन, बिल्कुल कैल्शियम पेक्टेट का ही तो बना होता है ना कैल्शियम पेक्टिन। चलो देखो, तो क्या होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस में, सुनो ध्यान से, होता क्या है कि एक बैक्टीरिया हुआ करता था जिसका नाम था बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो मेरा बैक्टीरिया था, ये एक टॉक्सिन क्रिएट करता था, एंड दिस टॉक्सिन वॉज एन इंसेक्टाइडल टॉक्सिन, बट इस टॉक्सिन के साथ फायदा क्या था कि ये टॉक्सिन ज्यादातर केस में इनएक्टिव स्टेज में रहता था, मतलब ये जो टॉक्सिन था ये ज्यादातर केस में इनएक्टिव स्टेट में रहता था, बट उसके बाद क्या होता था कि ये जो टॉक्सिन है अगर एक्टिव कब होगा, जब ये एल्केलाइन पीएच में जाएगा, तो ये एक्टिव होगा और ये इंसेक्ट को मार देता था, ये बैकग्राउंड की कहानी थी। तो कॉटन में कुछ बीमारियां होती थी, कॉटन में कैसा बीमारी होता था कि ऐसा सा कॉटन हो जाता था, मतलब मान लो कि ये कॉटन है तो अगर बॉलवॉर्म जैसे कोई वॉर्म्स आते थे तो इसकी वजह से मेरा कॉटन खराब हो जाता था, कॉटन को खा जाता था, ठीक है। तो हम सोचे कि वाई नॉट यूज इट दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हम मान लो यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज करते तो होता क्या कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या हो जाता, ये ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता, मतलब ये पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो जाता और फिर मेरे लिए और हैजार्डस होता। दूसरा मान लो इस कॉटन का कपड़ा बनना है तो अब कोई भी अगर इस कॉटन में कोई पेस्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड है वो वॉश होके बनेगा, ये बनेगा, तो वापस क्या होगा, अल्टीमेटली मेरे कपड़े पे भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, मुझे कुछ लोगों को और दिक्कत होगा, तो ये सब प्रॉब्लम आने लगेंगी इसके साथ। प्लस अगर हम इस इंसेक्टिसाइड वाले कॉटन को धुलते हैं तो फिर अगेन मेरे पानी में इंसेक्टिसाइड चला जाएगा, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, इसलिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करना नहीं चाहते थे। तो हम एक नया टेक्निक लेके आए, तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग वाज कि हम इस बैसिलस थुरिनजेनेसिस का, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता था या जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था, ये प्रोटीन एक जीन के वजह से प्रोड्यूस करता था, इस जीन का नाम था क्राई जीन, बड़ा अच्छा नाम है देखो, क्राई जीन है ना, इस जीन का नाम था क्राई जीन, क्राई बिकॉज क्रिस्टल, यानी कि बैक्टीरिया को रुला रहा है तो क्राई जीन हो गया, ठीक है, क्राई बिकॉज क्रिस्टल।
हाँ तो देखो क्या किया, तो ये क्राइजीन क्या किया, तो हम क्या किए कि हम बैसिलस थुरिंजेनेसिस से हम बैसिलस थुरिंजेनेसिस से एक जीन निकाले, इसको हम कहते हैं क्राई जीन, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्राई जीन, और इस क्राई जीन को हम डाल दिए टोबैको प्लांट में, इस क्राई जीन को हम डाल दिए टोबैको प्लांट में। अब कल को कोई इंसेक्ट इसमें आएगा, तो इस इंसेक्ट के अगेंस्ट मेरा टोबैको प्लांट है ये प्रोड्यूस करेगा क्राई प्रोटीन। नाउ दिस क्राई प्रोटीन इज अ टॉक्सिन विच इज इनएक्टिवेट, इट इज एन इनएक्टिव टॉक्सिन। मतलब अगर मान लो कि एटमॉस्फेयर में ये टॉक्सिन जा भी रहा है तो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, तो नाउ दिस टॉक्सिन इज एन इनएक्टिव टॉक्सिन। अब इस इनएक्टिव टॉक्सिन के साथ हम क्या करते हैं, ये इनएक्टिव टॉक्सिन जब इंसेक्ट खाएगा तो ये इंसेक्ट के एल्केलाइन गट में, ये जब इंसेक्ट के एल्केलाइन गट में जाएगा तो क्या होगा कि ये बाइंड कर जाएगा इंसेक्ट के गट से, इट बाइंड्स विथ इंसेक्ट्स गट और इसमें पोर्स क्रिएट करता है जिससे इंसेक्ट मर जाता है। इस तरह से ये काम करता है जिससे इंसेक्ट मेरा मर जाता है, ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। अभी बताते हैं कैसे याद करना है, याद करने का भी सिखाते हैं कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा, हम इसलिए इसको बैसिलस थुरिंजेनसिस से, तो हम अलग अलग, हम कॉटन के लिए यूज कर सकते हैं, कॉर्न के लिए यूज कर सकते हैं, राइस के लिए यूज कर सकते हैं, टोमेटो के लिए यूज कर सकते हैं, पोटैटो के लिए यूज कर सकते हैं, और सोयाबीन के लिए यूज कर सकते हैं सेम बैसिलस, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है ध्यान से, तो क्या है कि मेरा बैसिलस थुरिंजेनेसिस प्रोटीन प्रोड्यूस करता था जो इंसेक्ट को मारता था, जिसका लेपिडोप्टेरेंस जो टोबैको को करता था, ठीक है, और कोलियोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस। तो ये मेरा जो बैसिलस थुरिंजेनिसिस था ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता था जो मेरा लेपिडोटेरेंस कोलियोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस को मारता था, ठीक। तो अब हम क्या किए कि ये जो बैसी इसका जो इंसेक्टाइडल टॉक्सिन का जो जीन था, इसका जो इंसेक्टाइडल टॉक्सिन का जो जीन था उसको हम होश में डाल दिए, तो क्या हुआ कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन हम बैसिलस थुरिंजेनेसिस से निकाल के इनकॉर्पोरेट कर दिए क्रॉप प्लांट में, ठीक है। तो क्रॉप प्लांट में कर दिए तो क्या हुआ, डिपेंडिंग ऑन कौन से जीन चाहिए हमको, कौन सा स्पेसिफिक जीन चाहिए हमको, कौन सा इंसेक्ट को मारना है, तो अलग अलग जीन है मेरे पास। जैसे मान लो कि प्रोटीन कोडिंग फॉर जीन्स CRY1AC और CRY2AB, 1AC और 2AB कॉटन बॉल वॉर्म्स को मारता है और CRY1AB मेरा कॉर्न बोरर को मारता है। तो इसी तरह से बहुत सारे क्राई जीन्स हैं जो अलग अलग इंसेक्ट को मारते हैं, तो हम वो जीन का इन्फेस्टेशन टोबैको प्लांट सॉरी कॉटन प्लांट में कर दिए ताकि ये टॉक्सिन बनाएगा, और ये टॉक्सिन जैसे ही इंसेक्ट के गट में जाएगा तो क्या करेगा, वो इंसेक्ट के गट को फाड़ देगा और इंसेक्ट मर जाएगा। ठीक है, क्या है, CRY1AC CRY2AB कॉटन बॉल वॉर्म आपको ये याद रखना है, और CRY1AB कॉर्न बोरर, ठीक है। देखो ऐसे याद रखो, बॉल वॉर्म को ऐसे याद रखो कि इसमें जो ए है दो है, दो ए वाला जो है वो बॉल वॉर्म है, ठीक है, और ए बी वाला जो है कॉर्न बोरर है, ठीक है। तो CRY1AC CRY2AB कॉटन बॉल वॉर्म और ए बी कॉर्न बोरर, और इसमें आपको तीन इंसेक्ट का याद रखना है, लेपिडोप्टेरन टोबैको बर्ड वॉर्म आर्मी वॉर्म और तुम्हारा कोलियोप्टेरन और डिप्टेरेंस, तो ये तीन आपको याद रखना है। तो इसमें ये याद रखना है
तीन, ये याद रखना है कि इंसेक्टाइडल टॉक्सिन जो है आपको एल्कलाइन पीएच गट पे काम करेगा, और ये कि क्राय वन एसी मेरा क्राय वन एसी और क्राय टू ए भी मेरा कॉटन बॉलवर्म और क्राय वन ए भी मेरा कॉर्न बोरर के लिए मारता है, ठीक है। हाँ जी चले आगे। चलो तो ये मेरा है बीटी कॉटन, हम सेम फिनोमिना यूज कर सकते हैं पोटैटो के लिए, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टोमेटो के लिए, बेस्ड ऑन कौन सा इंसेक्ट है ना। जब हम एक प्लांट में डाल सकते हैं तो किसी और प्लांट में भी डाल सकते हैं। तो इसमें हम कैसे ट्रांसफर करते होंगे, हम इसमें वेक्टर ट्रांसफर करते होंगे या वेक्टर लेस ट्रांसफर करते होंगे, ये जल्दी बताओ। इसमें हम वेक्टर ट्रांसफर करते होंगे या वेक्टर लेस ट्रांसफर करते होंगे, मतलब हम इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें जो आरडीएनए है, ये हम वेक्टर के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं या बिना वेक्टर के साथ कर सकते हैं, और वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर यूज करेंगे और बिना वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर यूज कौन सा डिवाइस यूज करेंगे। जल्दी 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 गाइस आंसर दो जो पूछा मैंने। वेक्टर के साथ कौन सा यूज करेंगे, बिना वेक्टर के साथ कौन सा यूज करेंगे, जल्दी फटाक से आंसर। अगर वेक्टर के साथ करते हैं तो भी आंसर दो कौन सा वेक्टर, और बिना वेक्टर के साथ भी करते हैं तो कौन सा वेक्टर, जल्दी। एल्बुमिन होगा बाबू, प्रोटीन जो है एल्बुमिन होता है ना ब्लड कोलाइडल के लिए। ठीक है तो हम वेक्टर लेस ट्रांसफर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जीन गन। वेक्टर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हम आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस यूज करते हैं ना, टीआई प्लाज्मिड के थ्रू भी हम डाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बीटी कॉटन, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, फिर हम आते हैं दूसरे पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, इसको ध्यान से सुनना। हाँ तेजा क्या हुआ, माइक्रो इंजेक्शन राहुल एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन यूज नहीं करते। हाँ जी जीन गन, गुड गुड मानसी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ डिसार्म पैथोजन वही बोले ना, वो तुम्हारा उसके आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी, चलो अब 15 मिनट ध्यान से सुनना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है पहले ये समझो, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस का टेक्निक मेरे बॉडी में भी होता है, अभी 15 मिनट बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। 15 मिनट बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। एक तो मेरा डॉग है ना वो एकदम सामने बैठेगा तो पूरा हमको हटाना पड़ता है उसको जब भी मूव करो तो। हाँ सुनो देखो होता क्या है, एक मैकेनिज्म होता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है हम लोग के बॉडी में अगेंस्ट वायरसेस, जिसको हम कहते हैं आरएनएआई, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है, ऑलरेडी होता है, ये कोई इजाद नहीं किया गया, तो इसको हम कहते हैं आरएनएआई, जिसको हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये मैकेनिज्म मेरे बॉडी में यूज होता है टू फाइट वायरल इंफेक्शंस, खास करके जहां पे आरएनए बना के प्रोटीन बना रहा है कोई वायरस, तो उनसे फाइट करने के लिए यहां पे ये मैकेनिज्म होता है, ये आरएनए इंटरफेरेंस मेरा बॉडी करता है, ठीक है। इसी मैनिफेस्टेशन को हम यूज करके एक काम करते हैं। होता क्या है कि मेरा एक प्लांट है, ठीक है, एक टोबैको प्लांट है, जिसके रूट को इफेक्ट करता है मेरा एक निमेटोड जिसका नाम है मिलोडिजाइन इन कॉग्निशिया। कितना सही नाम है, मिलोडिजाइन इन कॉग्निशिया। क्या होता है कि मेरे पास जो मेरा टोबैको प्लांट है, मेरा क्या है टोबैको प्लांट,
और इस टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेस्ट करता है कौन? मिलो डिजाइन इन कॉग्निशिया। ठीक है, करता क्या है ये? ये टोबैको प्लांट में जाता है और उसके बाद टोबैको प्लांट से बोलता है अपना आरएनए बनाने के लिए, अपना आरएनए से फिर बोलता है अपना प्रोटीन बनाने के लिए, और जब ये अपना प्रोटीन बनाता है तो इससे क्या होता है कि इसके रूट्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं और टोबैको प्लांट मर जाता है। ठीक है, तो अगर ये नेमेटोड मान लो जब आ रहा है और जब ये अपना आरएनए दे रहा है तो इसी आरएनए को यहीं पे खत्म कर दिया जाए कि वो आगे प्रोटीन बना ही नहीं पाए, तो हम इसके आरएनए को बंद कर दें। मतलब अगर मान लो आरएनए मेरा कैसा होता है, आरएनए मेरा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को हम कन्वर्ट कर दें डबल स्टैंडर्ड आरएनए में तो क्या प्रोटीन बन पाएगा? तो मेरा प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसी फिनोमिना को हम यूज करते हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करने वाले हैं वो अभी हम बताते हैं। इस फिनोमिना को हम साइलेंसिंग ऑफ आरएनए करते हैं। तो समझो एक हाइपोथेटिकल बात अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना बात, ठीक है, कि सपोज मान लो कि मेरा ये मिलो डिजाइन इनकॉग्निशिया है, इसका जो जीन है, इसका जीन मान लो कुछ ऐसा है, इसका जीन मान लो ये इसका जीन मान लो कुछ ऐसा है, कैसा है कि मान लो ये मेरा 3' एंड है, ये मेरा इसका 5' एंड है। ठीक है, 3' एंड में प्रोड्यूस किया ये ए टी जी सी जी ए टी ए, ठीक है, कुछ ऐसा चीज प्रोड्यूस किया। ठीक, इधर प्रोड्यूस किया ए के बदले क्या लग जाएगा टी, टी के बदले क्या लग जाएगा ए, ए के बदले जी के बदले क्या लग जाएगा सी, सी के बदले जी, जी के बदले सी, ए के बदले टी ए टी, ये मेरा हो जाएगा 5' टू 3' एंड। अब इस डीएनए से आरएनए कैसा बनता? तो मेरा कुछ ऐसा आरएनए बनता 5' टू 3'। क्या ए के बदले क्या लग जाएगा यू, ए सी जी सी यू ए यू, हाँ या नहीं? ये मेरा आरएनए बन जाएगा। तो अगर मान लो कि हम इस टोबैको प्लांट में ये जिसमें इन्वेस्ट हुआ है इसमें हम एक और डीएनए डाल दें, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दें जिसका सिर्फ सीक्वेंस उल्टा कर दें, मतलब मान लो कि अब जो मेरा ये 3-5 था तो कुछ ऐसा कर दें कि ये जो 5-3 वाला था इसको हम इस सीक्वेंस का कर दें, मान लो हम इसको कर दें टी ए सी जी सी टी ए टी, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा फिर मेरा ए टी जी सी जी ए टी ए, कुछ ऐसा सीक्वेंस हो जाएगा। अब हम क्या किए, अब इसको एमआरएनए कराओ, इसको मतलब इसका मेरा 3-5 एंड कराओ, और फिर सेम करिए, सॉरी ये 3-5 होगा, ये 5-3 होगा ना, सॉरी इसको 3-5 करो और इसको 5-3 कर दो, तो इसको हम कर लेते हैं 3-5 और इसको हम कर लेते हैं 5-3, तो क्या होगा इसका आरएनए बनेगा, देखो तो टी के बदले क्या बन जाएगा मेरा ए यू जी सी जी ए यू ए 5' टू 3'। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम इस दोनों को जोड़ना चाहें तो कर लोगे क्या, यू के बदले ये लग जाएगा, ए के बदले यू लग जाएगा, मतलब ये दोनों डीएनए आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जैसे ये मेरा ये प्रोड्यूस करेगा ये मेरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोड्यूस कर देगा, मतलब इट विल प्रोड्यूस टू कॉपी, सेंस और मिस सेंस, दोनों कॉपी ऑफ आरएनए प्रोड्यूस कर देगा,
जिससे ये दोनों आरएनए आपस में चिपक जाएगा और इनका साइलेंसिंग हो जाएगा, इनका साइलेंसिंग हो जाएगा। तो अगर इसका आरएनए ही साइलेंस कर लिया, अगर मान लो इस माइलोडीन इनकॉग्निशा का आरएनए ही हम साइलेंस कर दिए, तो ये क्या होगा, ये मेरा प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर ये मान लो प्रोटीन मेरा प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो ये मर जाएगा, अगर ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो ये मर जाएगा। नहीं नहीं बाबू, सीक्वेंस कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, ये हाइपोथेटिकल सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हाइपोथेटिकल है कि अगर मान लो इसका डीएनए, मतलब हम क्या किए, देखो बेसिक समझो आप क्या किए, कि हम एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किए जो इसके आरएनए के स्पेसिफिक हो, तो जैसे ये आरएनए बनाएगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम बनाएंगे, दोनों आपस में चिपक जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा और ये साइलेंस हो जाएगा, ये साइलेंस हो जाएगा। समझ आया? हाँ सुलू बोलो बाबू, किसी को नहीं आया समझ में तो बताओ, कुछ नहीं आया तो समझ में बताओ। सबको क्लियर है? सबका थम्स अप जल्दी, थम्स अप दो जल्दी, क्लियर है तो जल्दी जल्दी सब थम्स अप दो जल्दी, सबको क्लियर है? नहीं तो मैं फिर से बताऊंगा, जल्दी बताओ। बेटा सिंपली तो बताए, लॉजिकल देखो समझो एक बात को, हमको इतना पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो अगर जो ये आरएनए बन रहा है इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हम एक और आरएनए बना दें, तो दोनों आरएनए चिपक के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और ये दोनों प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो मेरा जो वो पैरासाइट है वो मर जाएगा, जो मेरा पैरासाइट है वो मर जाएगा। क्या क्लियर नहीं हुआ अनुराग? चलो ठीक है, बेसिक देखो, बेसिक फिर से समझा रहे हैं। देखो ये मेरा एक माइलोडीन इनकॉग्निशिया है, देखो देखो एनसीईआरटी माता के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है चलो, एनसीईआरटी का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि एक सेवरल नेमाटोड पैरासाइट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को इफेक्ट करता है, एक नेमाटोड है जिसका नाम है माइलोडीजाइन इनकॉग्निशिया, वो टोबैको प्लांट के रूट को इफेक्ट करता है और ये प्रोडक्शन इन यील्ड कम कर देता है। ठीक, तो हम क्या किए, हम आरएनए इंटरफेरेंस का टेक्निक यूज करके इसको बताते हैं। तो क्या करता है, तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक, तो इसी को हम यूज किए, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम क्या किए, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस या एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, हम वेक्टर लिए और उसके थ्रू नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाले, यही नेमेटोड जो मेरा आरएनए बना रहा था इसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला जीन हम डाल दिए टोबैको प्लांट में, तो वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। ठीक, अब क्या हुआ, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस, मतलब दोनों स्टैंड ऑफ आरएनए बना रहा है तो दोनों आपस में चिपक जाएगा, तो इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट। नाउ दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्मड अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक आरएनए, मतलब कि जो मेरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, यहां मतलब मान लो जो वायरल आरएनए था, वायरल आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हम एक और आरएनए बना लिए, दोनों आपस में चिपक गया और मेरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया और ये दोनों आप साइलेंस हो गया, इसके साइलेंस होने से इसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके साइलेंस होने से इसका प्रोटीन सही ऐसे है, देखो तो यही है कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला होगा जिंदा रह जाएगा और जो ये वाला ये देखो मर गया। ठीक है, क्योंकि इसमें नोड्यूलर फॉर्मेशन हो गया और ये टोबैको प्लांट मर गया। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, फिर से रिपीट करूं? चलो हो गया ना, चलो चलो ठीक ठीक है। तो एनसीईआरटी बस इतना कहती है कि हम क्या किया, हम यूजिंग, देखो अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में फिर से एक बार सुन लो, यूजिंग
टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस का, ठीक है, हम वेक्टर यूज करके हम नेमेटोड स्पेसिफिक डीन डाले, नेमेटोड स्पेसिफिक डीएनए डाले, ताकि ये डीएनए मेरा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए, किसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए, टू निमेटोड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाए, आरएनए बनाए टू निमेटोड। अब ये दोनों आरएनए आपस में मिलके बनाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करेगा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए साइलेंस हो जाएगा, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बंद हो जाएगा और ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा प्रोटीन, प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसको खाना नहीं मिलेगा, तो ये मेरा जो पैरासाइट है वो मर जाएगा। नहीं तो, तो निमेटोड का पूरा डीएनए सीक्वेंस हमको उसका पता है ना बाबू, वो जो आरएनए ट्रांसफर के लिए करा वो पता करते हैं हम, सीक्वेंस पहले पता कर लेते हैं और उसी सीक्वेंस स्पेसिफिक जीन डालते हैं। ठीक है, इंसुलिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। कोई और दिक्कत है तो पूछो। फ्लेवर सेवर बैसिलस थुरिंजिनेसिस और इसमें तुम्हारे तीनों टॉपिक में कोई और दिक्कत है तो पूछो। चलो ठीक है, बाकी गाइस तो फिर आज यहीं तक करते हैं, कल हम लोग करेंगे इंसुलिन करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे एडीए डिफिशियंसी पढ़ेंगे, कल हम लोग एलाइजा बीमारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा मॉलिकुलर डायग्नोसिस पढ़ेंगे, तो कल इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हीरोडीन देखेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो एप्लीकेशन है कैसे बनता है वो सब हम देखने वाले, तो कल सेम 7 बजे, ठीक है। बाकी गाइज यहाँ पे मुझे फॉलो करो unacademy.com/user/anandsir01 पे, यहाँ पे मेरी रोज स्पेशल क्लास होती है, रोज स्पेशल क्लास, रोज होती है स्पेशल क्लास, एक मेरी होती है 9 AM पे और एक मेरी होती है 10:30 PM पे, तो दो स्पेशल क्लास मेरी रोज होती है, तो यहाँ मुझे फॉलो करो ताकि तुम्हें मुझे स्पेशल क्लास देखने को मिलेगा, मुझे बस सर्च करना, गूगल करना डॉक्टर आनंद मणि या ये वाला आप लिंक डालो, तो यहाँ पे मेरे सारे स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप जरूर से जरूर मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। सेकेंडली गाइज, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है आपको, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, पूरी प्लेलिस्ट जो एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट, अगर किसी 12th के बच्चों को जानते हो या ड्रॉपर को जानते हो आप, वो प्लेलिस्ट शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों का ही भला हो, है ना, एनसीईआरटी स्पेसिफिक पढ़ाई आपको उनको ही मिल जाएगा। बाकी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। सेकेंडली गाइज, हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है नवंबर में, ठीक है, क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है नवंबर में, तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है, ताकि आपका पूरा काम हो जाए, तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें प्लस पे, और 1 नवंबर से पहले लेना ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 1 नवंबर से पहले लेना है, और इसका जो अमाउंट होगा वो आपका 21,300 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है आनंद लाइव, अगर आप इस क्रैश कोर्स में इनरोल करना है तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है आनंद लाइव, तो आपका जो इफेक्टिव अमाउंट हो जाएगा वो 21,300 का पड़ेगा, और इस क्रैश कोर्स में आपको हम शुरू से नीट और एम्स के लिए करा रहे हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ये क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो अक्टूबर एंड तक आपको ये ले लेना है क्रैश कोर्स, ठीक है। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट में 600 प्लस आते हैं, यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाएगा, और बायो में तो फुल मार्क्स आएगा आपको, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको ये क्रैश कोर्स लेना है, 6 मंथ का प्लान लेना है, और आनंद लाइव कूपन कोड यूज करना है, ठीक है। चलो गाइस, फिर मिलते रहें बाद में ब्रेक के बाद। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पे कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आप वहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है ये नेक्स्ट टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अगला टॉपिक आप लोगों को बायो मॉलिक्यूल स्टार्ट कराऊंगा, आप लोगों को बायो मॉलिक्यूल पढ़ने का बहुत ज्यादा चुल मचाया है ना, ज्यादा लोग कह रहे थे सर बायो मॉलिक्यूल पढ़ा दो, बायो मॉलिक्यूल पढ़ा दो, तो बायो मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अभी मेरी एक और क्लास है 9 PM, ठीक है, अभी मेरी एक और क्लास है 9 PM, तो हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो 9 PM आप लोगों को आ जाना है, ठीक है। चलो गाइस, फिर सी यू, बाय बाय।